सकते हैं, तब तक आइए हीरो मोटोकॉर्प है फोकस में, बता रहे हैं कुशल गुप्ता क्यों है ये फोकस में। कुशल, क्या हुआ हीरो मोटोकॉर्प में भाई? सर, हीरो मोटोकॉर्प में कल ये खबर का डेवलपमेंट हुआ कि यहाँ पर जो हीरो ब्रांड नेम है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हीरो इलेक्ट्रिक यूज करते हैं, जो कि दूसरी कंपनी है, हीरो मोटोकॉर्प उससे रिलेटेड नहीं है, यानी कि फैमिली में है बट दोनों कंपनियां एक सेपरेट हैं। तो यहाँ पर इसको लेकर ये डेवलपमेंट है कि हीरो मोटोकॉर्प के जो लॉयर हैं ये कह रहे हैं कि हीरो इलेक्ट्रिक ने हीरो मोटोकॉर्प के खिलाफ याचिका वापस ले ली है। अब ये याचिका क्या थी? ये याचिका इसी चीज के लिए थी कि हीरो मोटोकॉर्प जो है अपनी ईवी के लिए, जो इन्होंने कहा था कि Q4 FY22 यानी कि इसी तिमाही में लॉन्च करते हुए नजर आएंगे, ऐसा उनका प्लान था, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये हीरो का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर इन्होंने याचिका दर्ज की थी हीरो इलेक्ट्रिक ने। अब आप देखिए यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट जो है उन्होंने दोनों कंपनियों के बीच विवाद सुलझाने के लिए एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का भी फॉर्मेशन करने का कह दिया है, और यहां पर 3 जो जज है उनकी तरफ से ये आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल होता हुआ दिखेगा। और ये जो मामला है ये जनवरी 2022 में, यानी कि पिछले महीने ही हीरो इलेक्ट्रिक ने इसको लेकर याचिका दर्ज की थी। इनफैक्ट 2010 के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान जो हुआ था उसमें जो पूरा का पूरा हीरो ग्रुप है उसमें ये नॉन कम्पीट क्लॉज शामिल किया गया था, जिसके तहत हीरो इलेक्ट्रिक जो है वो ये क्लॉज के तहत ईवी स्पेस के लिए हीरो नाम का इस्तेमाल करने का सोल राइट है, मतलब इनके पास एकमात्र उस चीज का राइट था 2010 के रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के अनुसार। तो जाहिर सी बात है कि आगे चलकर अब ये देखना होगा, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प के लॉयर तो ये कह रहे हैं कि याचिका उन्होंने वापस ले ली है, बट ये एक्चुअली सेंटिमेंटली इनके लिए पॉजिटिव है या नहीं यह देखना होगा, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑलरेडी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के फॉर्मेशन की बात कर दी है। तो अब आगे चलकर यहां पर यह मैटर जो है अभी भी आगे चलता रहेगा, बट अगर आप देखें तो हीरो मोटोकॉर्प के ईवी को लेकर बड़े प्लान्स हैं। Q4 में यहां पर नए ईवी लॉन्च करने की बात है, साथ ही एथर एनर्जी यहां पर ऑलरेडी 35% करीबन इनकी हिस्सेदारी है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के हम आंकड़े भी आते हुए देख रहे थे एथर एनर्जी की तरफ से, और जो बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क है उसमें जो ताइवान की कंपनी है गोगोरो उसमें भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो ईवी को लेकर ऑलरेडी हीरो मोटोकॉर्प काफी आगे है, पर हीरो का जो ब्रांड नेम है उसको ये यूज कर पाएंगे या नहीं अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। तो ये है आपके लिए राय, तो ब्रांड नेम अभी यूज नहीं कर सकते हैं या जो यूज कर रहे हैं एक्सटेंशन मिल गया? Exactly. जो यूज अभी कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस चीज को खारिज कर दिया था, हीरो इलेक्ट्रिक की जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया था, और उन्होंने एक सेपरेट जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है उसकी फॉर्मेशन की थी। तो अब उसके तहत क्या डिसीजन निकल के आएगा वो हमें देखना होगा। पर हीरो मोटोकॉर्प के लॉयर ये कह रहे हैं कि उन्होंने अर्जी वापस ले ली है। तो अब इसका अर्जी वापस लेने का मतलब ये भी हो सकता है कि ये आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में मामला जा रहा है, तो इसलिए शायद अर्जी वापस लिया, पर फाइनल अभी नहीं हुआ, अभी है, नहीं हुआ है। बट अभी के लिए राहत है। यस, ओके। हीरो मोटोकॉर्प, सिटी साहब कोई राय रखते हैं इस पर? रिसेंटली ऑटोज में अच्छा बाउंस बैक रहा, हीरो भी काफी पिटा हुआ था, एटलीस्ट थोड़ा तो बाउंस बैक इसने भी दिखाया। दीपांशु, देखिए अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, जिस तरह से एग्रेसिवली ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में फोरे कर रही है, जैसे अभी कुशल बता भी रहे थे बैटरी स्वैपिंग में भी इनकी जो गोगोरो करके जिस कंपनी में स्टेक लिया है वो भी एक डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव है, और मुझे लगता है ये रेस में रहेगी, और जिन लेवल्स पे अभी ये स्टॉक आ गया है यहाँ पे एटलीस्ट सेल तो नहीं करना है, होल्ड करना जिन्होंने लिया हुआ है, बाकी इन लेवल्स पे अक्यूमुलेशन शुरू किया जा सकता है, मेरी राय खरीदारी की इस स्टॉक में। ओके, तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प पर राय, जहां पर आपको रखनी